अब हो जाए युद्ध की अलगार और दुश्मनों पे प्रहार करने आ रहे हैं चंपा और चमेली दोनों पक्की सहेली बच्चा हो या शादी ये दोनों आ जाती सीजन वन से आज तक हर खुशी के मौके पर आ जाती है तो आज कैसे ना आती तो कॉमेडी के महासंग्राम का शटर अप करने प्लीज वेलकम सीजन वन के पूरन वीआईपी एस चंपा एंड स्वप्निल चमेली सच रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में सुनहरी गोटे में रुपहरी गोटे में सुनहरी गोटे में रुपहरी गोटे में सच रही सच रही सच रही सच रही सच अरे और कितना सजेगी तू बस कर कुत्ती कमीनी चल उठा ले बाबा ये उठाने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ शो को ओपन करके शो मत कर सॉरी 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 शटर अप अल्लाह हाय ए अपना वाला बोल हाय 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 अरे देख तो बाबा इधर कौन कौन आया है अरे बाबा दो को तो मैं जानती हूँ तीसरा हट्टा कट्टा मर्द कौन है रे बाबा ये ए इतनी जल्दी अर्चना को भूल गई अर्चना नहीं उसके बाजू में जो बैठा उसको सर्चना वो अपना शेट्टी है रे तू से भूल जाए ये हो नहीं सकता वो मैं भूल जाए ये मौजे नहीं देंगे वो सुनील शेट्टी नहीं है दिखता नहीं है इसके पास अभी भी बहुत काम है ये अपना रोहित शेट्टी है रे बाबा रोहित शेट्टी रोहित शेट्टी अरे ये ना बाबा अपनी फिल्म में बहुत स्टैंड करता है कारों के साथ कारों के साथ ए हैंडसम कभी हम बेकारों के साथ भी तो कोई स्टैंड कर ले स्टैंड समझता है ना स्टैंड सब समझता है बस गुन्ना बना हुआ है ये बाका मरद कौन है अरे बाबा शेखर सुमन दिन पे दिन इसकी उम्र छोटी होती जा रही है अगर यही हाल रहा ना तो कुछ साल के बाद इसके बच्चों से जाके कहेंगे देखो देखो बधाई हो बधाई हो आपके यहाँ पापा दोबारा पैदा हुए अच्छा ये बता तू किधर थी और कहाँ गई मुझे ना वहाँ बुलाया था खतरों के खिलाड़ी बाबू भैया ये अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं माँ कसम जान ले लूंगा साल के पहले बनो अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं ए कैरेक्टर लेस कैरेक्टर मत छोड़ फिर क्या हुआ लेकिन मैं वहाँ से वापस आ गई क्यों अरे मेरे को वहाँ बार बार बोल रहे थे अगले स्टंट के लिए हम आपको बीच में ले जाएंगे बीच में ले जाएंगे मैं बोली ए तू मेरे को क्या लेके जाएगा मैं तो ऑलरेडी बीच में हूँ मैं उठा तो मेरे को साइड में लेके चल मेरा भी मूड बन जाएगा मैं भी गई थी बिग बॉस में अगले दिन वापस आ गई काइकू अरे बिग बॉस बोलता था बिग बॉस चाहते हैं बिग बॉस चाहते सिर्फ चाहता है करता कुछ भी नहीं अच्छा तू सच के सामने में गई थी ए, तेरे को मालूम है मेरे को सामने वाली जगह पसंद नहीं है कुत्ती कमीनी ए कुत्ते से मेरे को शक्ति का पूरी याद आया कल मिला था वो अल्लाह उसने तेरे को भी नहीं छोड़ा ना ए, उसके बारे में फालतू बात नहीं करना हाँ उसने छोड़ा था हाँ बाद में बांद्रा तक अभी तू फिकर मत कर काइकू फिकर बाकी की जोड़ी करेगी काइकू रे अभी हम लोग आ गए ना क्यों हम लोग यूनक जोड़ी है अभी लोग को बता दो कि अपना यूनिकनेस बता दे ए सुरेंद्र धर्मेंद्र राजेंद्र जितेंद्र महेंद्र सबको ले अंदर और बजा सबकी बात लगाने हम आए हम दोनों जैसा कोई नहीं अब बात करेंगे कृष्णा और सुदेश की और मैं थप्पड़ मारू तेरे में खाली बोलता है मारता कभी नहीं है लगातार 3 शो जीत कर इन्होंने नया इतिहास रचा है जीत लो बेटा लगातार 3 शो जीत कर इन्होंने नया इतिहास रचा है और मजे की बात तो देखिए कि इनके नाच और गाने के साथ साथ कभी कभी हिंदुस्तान इनकी कॉमेडी पे भी हंसा है लगाने हम आए हम दोनों जैसा कोई नहीं
सबकी बात लगाने हम आए, हम दोनों जैसा कोई नहीं। वैसे तो हम यहाँ सिर्फ हिट जोड़ियों की बात कर रहे हैं लेकिन थोक के भाव में कर रहे हैं तो इनकी भी कर ही लेते हैं। हम बात कर रहे हैं राजीव और राजेश के जोड़ी की। अरे बुढ़ाओ, ये राजीव जी नॉर्मल लाइन भी इतनी जोर से, और कितना बोलोगे। और बेचारा राजेश, इसने अकबर बन के इतने दुख झेले हैं इसी चक्कर में कि जोधा अकबर 2 में आशुतोष ऋतिक के बजाय शायद इसको ले ले। सबकी बात लगाने हम आए, हम दोनों जैसा कोई नहीं। अब हम बात करेंगे राजीव, सलोनी और रश्मि के जोड़ी की। राजीव यानी बासी शकील। अल्लाह माफ करे शकील भैया, आपके साथ मनुष्य आदमी का नाम जोड़ रहे हैं। राजीव यानी बासी शकील, शकील भाई के पंच में ये अपना सिर फुल स्टॉप जोड़ता है। शकील भाई के पंच में ये अपना सिर फुल स्टॉप जोड़ता है। शकील भाई का पिछला पंच ये आज अपना कह के छोड़ता है। बिल्कुल सही बोला। और अब बात करते हैं आखिरी टिकड़ी की, शरद, परेश और भारती की। भारती इतनी भारी है कि इसके लिए बाकी के दो पार्टनर्स बड़े आभारी हैं। परेश की टॉमिक टाइमिंग का क्या कहना, और शरद की बेइज्जती इस सीजन में भी जारी है। स्वप्निल वीआईपी, आपने जो धमाल किया है उससे एक ही बात प्रूव होती है, दैट पूरंस आर बैक। अर्चना, आप अपने मर्दाना लड़ाकों को पॉइंट्स नहीं दे सकती ऑब्वियसली बिकॉज ये आपकी टीम से है, तो आइए जानते हैं कि शेखर और रोहित को इनकी अदाएं कुछ भाई या नहीं। शेखर, मैं समझता हूँ कि शो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आप दुश्मनों की भी प्रशंसा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों इसी के लिए पैदा हुए। आपको देख के ऐसा मुझे एहसास हुआ कि आप दोनों को मेरी टीम में होना चाहिए था। There is nothing else I can give you except it. All right, full score. रोहित, आपको लगता है कि ये धमाकेदार है या नहीं? मुझे लगा हम लोग महासंग्राम के फिनाले में बैठे हैं। It was a fabulous performance and what a start. What a start. What a great start. Fantastic. Yes. Thank you. 10 points, full score. Judges तो हंसे, scores भी दे दिए। लेकिन भाई अब सिर्फ जजेस के हंसने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि स्वप्निल और वीआईपी की कॉमेडी का शटर कभी डाउन ना हो तो प्लीज वोट फॉर देम। अगर आपको हमारा ये एक्ट पसंद आया हो तो प्लीज हमें वोट करने के लिए टाइप कीजिए JODI जोडी 01 और भेज दीजिए 52525 पे। बाय, चल हो गया। शिव बाबा, जो लोग ऊपर चले जाते हैं वो वापस नीचे जरूर आते हैं, और ये कहना है लिफ्ट मैन सुदेश का। देखें इनकी लिफ्ट में कौन ऊपर जाता है और कौन नीचे रह जाते हैं। प्लीज वेलकम सीजन 2 के सुमन सुदेश एज लिफ्ट मैन एंड कृष्णा एज वेरियस आर्टिस्ट। हेलो। हाँ मम्मा। या वाइफ को फोन देना मेरी। हेलो पूर्वी, कहाँ? बाथरूम में। वेरी गुड, लगी हो। अच्छा सुनो, शाम को क्या बना रही हो खाने के लिए? जहर। वेरी गुड, तुम खा के सोए ना, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। मेरी जिंदगी का एक सपना था कि मैं बैठ के गाऊं आराम से। बैठ के गाऊं, भगवान ने मेरी सुन ली। आ जाओ भी, कहां मर गए हो सब लोग? अरे
काशी हिले पटना हिले कलकत्ता हिले लाके तोहरी लच के जब कमरिया सारा हिला हिले लाके तोहरी लच के जब कमरिया सारा हिला हिले ला। ओ बाबा जी ये कलकत्ता बाद में ही लाना, खुद हिलना बंद करो पहले। ओ यार ये तो लिफ्ट का बड़ा पंगा दरवाजा। हेलो ओ यार जाना नहीं आना हराम दादे इशारा नहीं समझ रहा, ऊपर जाना है लिफ्ट चला। चार दिन रुक जाओ वैसे ही ऊपर चले जाएगा, लिफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओए ओ ये क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी थोड़ी के बच्चे पानी गंदा कर रहा तू। तुझे पता नहीं जल ही जीवन है। रोहित जी मैसी ठीक है? वेरी गुड। उन्होंने कहा मैसी जरूर डालो, तालियां। देखो भैया जीते रहो सुखद रहो, आ? भगवान करे 50 माले की बिल्डिंग में एक दिन लिफ्ट मैन लगो तू। निकल यार इसकी माँ का। ओ दरवाजा तो खोल ले। मुझे बड़ा गुस्सा है इन पुरानी चीजों पे। ये बिल्डिंग भी पुरानी सारी हिली हुई है भाई, हिले भी क्यों ना, सारे हिले हुए कलाकार इधर हैं, देवानंद भी इधर ही रहते हैं और शमी कपूर भी इधर है और सुरेंद्र भी इधर ही रहता है। नहीं जरूरी थोड़ी कि सारे शरीर ही हिले हुए होते, दिमाग भी कुछ यही है यार। खारिश हो रही है यार, लगता है भट्ट साहब ने भी इधर ही कमरा ले लिया। अंकल अंकल लिफ्ट रोको लिफ्ट रोको लिफ्ट रोको। ओए यार ऐसे बच्चे मरते हो तुम फंस जाते हो, पहले देखो ठहरो। चल बेवकूफ, मैं थप्पड़ मारने को दिल कर रहा है तेरे को मार क्यों रहा है? बेवकूफ कहीं का, तू बच्चा है इसलिए तेरे को मारूंगा नहीं। देखो बच्चे पे हंसना नहीं, बच्चे को हम मार नहीं सकते, बच्चों को मारना जुर्म है। रोहित जी मैसी ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। इसके हाथ नहीं उठाना। कहाँ जाएगा? आपको जब कूदूंगा मैं पानी में घूमूंगा, मैं गोल गोल दौड़ूंगा, मैं गोल गोल दौड़ूंगा, मैं ऐसी लोई में रहूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं माँ ओ माँ नहीं, कौन से माले पे जाएगा ये बता। मैं 20वें माले पे। ओ 10 माले की ये बिल्डिंग है, 20 में मैं कैसे ले जाऊं तेरे को? तो 10 पे दो बार ले जाना ना। अनपढ़ अनपढ़ कुतरिया। कुतरिया बोला तू बेटे? सच्ची बता कृष्ण तेरा क्या लगता है? मैं थप्पड़ मारना है। थप्पड़ कुतरिया? मैं और कृष्ण मिलके यार किसके घर गए थे? श्रुति नहीं, रोशनी नहीं, पूरी तो आज ही आई है। अंकल 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 स्नैक्स लोगे? ये होता है प्यार बच्चों में, अमीरी गरीबी का कोई पंगा नहीं। बच्चे गरीबों ये भगवान का रूप होते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों से जो प्यार करेगा उसको कभी कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए तो कहते हैं बच्चे। बच्चे सांप का रूप। अंकल की फट गई। ओके सॉरी अंकल। अंकल सुनो ना, आप सारा दिन लिफ्ट में काम करते हो, हाँ मुझे बहुत दया आती है आप पे। थैंक यू बेटे। 100 रुपया दो ना। पर किस चीज का? सबको बोल दूंगा लिफ्ट में बैठ के गंदी गंदी किताबें पढ़ते हो आप। बेटे ना बताने का क्या लेगा? किताब। बच्चे बहुत शरारती होते हैं। ये सामने की बिल्डिंग में 3 बच्चे बैठे ना, हर वक्त नंबर नंबर खेलते रहते हैं। अर्चू अब तूने 9 नंबर दिए ना, तो मैं तेरे पापा को बोल दूंगा परमीत को। अरे कौन हो तुम? अरे डॉक्टर। नहीं डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटा? मेरा दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया, उसने चाकू उठाया
और सैंडविच पे हमारा सारा सॉस गिर गया यार। सेट खराब हो गई यार। सेट खराब हो गई यार साहब। ओ तू पागल है? उन्होंने कहा था साफ सुथरी कॉमेडी करना, तूने गंदी कर दी है। अरे साहब साफ कर दो ना साहब। अच्छा मैंने कहा साफ बोला, हट जा, हट जा। ये सब लड़ाइयां झगड़े नशों की वजह से हो रहे हैं। नशे कोई ना करो, नशों से मर जाओगे। मैसी ठीक है? इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। कपड़े मुझे ड्रेसमैन ने दे दिए, मकान मेरा ये लिफ्ट ही है, बाकी खाना सब लोग खाते हैं। कुछ लोग नशों में रह जाते हैं, मैं कहता हूँ अच्छी चीजें खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन सा दबाऊं? कहाँ रहती हो? हेलो भैया, ये लड़का मुझे ना छेड़ रहा है इधर। क्या MMS बना लूं? एक मिनट। अरे क्लियर नहीं बना, तू हिलता बहुत तेरे। ये क्या हो गया, ये लिफ्ट क्यों रुक गई? हेलो ऑपरेटर, ये लिफ्ट रुक गई है इधर। क्या वो कह रहा है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, परसों तक ठीक हो जाएगी। मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। गलत गलत झूठ, मुझे डॉक्टर ने कहा मैं डैडी बन ही नहीं सकता, मुझे पता है। हरामजादे मेरा डायलॉग था, मैं ऑडिशन देने आई हूँ, एक्ट्रेस हूँ। वो शाना आदमी है तू। माय प्लेजर। हेलो भैया, लिफ्ट दो दिन के लिए रुकी, आप तो MMS की बात कर रहे थे, पिक्चर बन सकती इधर तो। ये गलत है कलियो। क्या आप ही हमको देख रहे हो? आपको क्या लग रहा है मैं अर्चना भैया बोलूंगा? मेरा भैया तो रोहित भैया है। तो अर्चना रोहित, कितनी चमक लगी आपको सुमन के इन रत्नों में? तुम लोग, मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी तक यहीं कैसे अटके हुए यार। मतलब यू ऑल आर ऑन द लेवल ऑफ महमूद साहब, गोविंदा, ऑन दैट लेवल यू ऑल आर, बोथ ऑफ यू। आगे चल के जब कॉमेडी के बारे में कहेंगे हम लोग, तो उसमें आप दोनों का नाम जरूर होगा। थैंक यू। आपका फिजिकल ह्यूमर, आपकी टाइमिंग, योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर टैलेंट, थैंक यू, इट्स अमेजिंग, इट्स 100/10। थैंक यू। वेल, लेट्स सी द स्कोर्स आल्सो। यही है मेरे पास। ज्यादा नहीं दे सकता। अर्चना, दिस इज अ परफेक्ट 10 अकॉर्डिंग टू मी। 10 points। कृष्णा और सुदेश की जोड़ी तो हंसी के अपराजित बादशाह बन चुके हैं, पर अब इनकी बादशाह आपके हाथ में है। अगर आप सुदेश की हंसी हुई नौटंकी और कृष्णा का नाचता पागल पर ऐसे ही देखना चाहते हैं तो प्लीज वोट फॉर देम। हमें वोट करने के लिए टाइप कीजिए JODI03 और भेज दीजिए सिर्फ 52525 पर। जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। थैंक यू सो मच। कॉमेडी सर्कस महासंग्राम, जहाँ हर चीज महा है, लेकिन एक चीज महा नहीं है, बहुत छोटी है, और वो है छोटा सा ब्रेक। आज लग रहा है कि सचमुच महासंग्राम का आगाज हो गया है। 10 पे 10, स्टैंडिंग ओवेशन पे स्टैंडिंग ओवेशन, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। हंसी के महासंग्राम में पूरन, सुमंस और शेट्टीज को एक दूसरे से लड़ना है, लेकिन रोहित आपके शेट्टी तो आपस में ही मारा मारी कर रहे हैं। या भी हूं। प्लीज वेलकम रोहित के शेट्टी, परेशन भारती एज बॉक्सर एंड शरद एज रेफरी।
मुकाबला होगा, ओ लैला। मुकाबला भी होगा और मुंह काला भी होगा इनका। हाय, मैं हूँ शरद केलकर और आज जो खेल हम खेलने जा रहे हैं। बस बस बस, आज पहला एपिसोड है तो क्या, तुझे ज्यादा लाइन देकर हम लोग रिस्क ले सकते भाई। तो बाकी का मैं बोलूंगा। परेश भाई, इस खेल का रेफरी मैं हूँ, कम से कम मुझे खेल के बारे में तो बोलने दो। तूने जितना बोला ना वो कम से कम ही था, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता तू। परेश भाई, आज टेंशन की कोई बात नहीं है, आज एलिमिनेशन नहीं है। शरद, तेरे बोलने के बाद इन लोगों का एलिमिनेशन करने का मूड हो गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा भाई? तो मैं हूँ यहाँ का लाइट वेट चैंपियन परेश टाइसन। अरे भाई, टाइसन क्यों? क्योंकि मेरी टाई ने एक छोटे से टाई को जन्म दिया है। तो मुझे बचपन से ही फाइट में भाग लेने का बड़ा शौक था और शायद आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मैं आज तक एक भी फाइट नहीं हारा। हारने से पहले ही भाग लेता था। वही बोला मैं कि बचपन से मुझे फाइट में भाग लेने का शौक था। चले तू बराबर सुनेगा ना तो रिएक्शन भी करेक्ट आएंगे। ए साले, मैं खली को दो बार हरा चुका हूँ कैरम में। अबे तूने फाइट में तो नहीं हरा है ना? अरे छोटे भाई को हराने में किसको इंटरेस्ट होगा यार, इतना सा था तब से फाइट सिखा रहा हूँ। ए खली, इतना है? मैं इतना सा था यार। तो तू फाइट के लिए तैयार है? एब्सोल्युटली तैयार हूँ, ये देख जूते भी पॉलिश करवा के रखे हैं। अरे वाह यार, अरे इसके जूते तो वीआईपी के चेहरे से भी ज्यादा काले और चमकदार है। बेइज्जती मत कर तू। अब सॉरी सॉरी वीआईपी। ए मेरे जूतों की बेइज्जती मत कर यार। चल तू ये बता। ए साले, हम तुझे लाइंस नहीं देते तो क्या तू ये बता वो बता करके अपनी लाइंस बढ़ा रहा है? तू ये बता कि फाइटर कौन है, बुला उसे। उससे पहले तुम्हें ये लेटर साइन करना पड़ेगा। लेटर छोड़, मैटर बता। मैटर में ये लिखा है कि अगर इस फाइट के दौरान किसी एक फाइटर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 50,000 रुपए मिलेंगे। 50,000 मेरी तरफ से जोड़ दे। अबे तू अरे जोड़ दे, बोला ना यार, भगवान बहुत मेहरबान है, बहुत पैसे देता है यार, मेरी वजह से कईयों के घर चलते हैं। क्यों लहरी जी? इस फाइट में 5 राउंड होंगे। दो रख दो। दो? अरे दो भी ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो अपने ड्राइवर को बोल के आया हूँ भाई गाड़ी चालू रख। सुना? मैंने कहा कि मैं यूं गया और यूं आया, बुलाना फाइटर को यार, जल्दी जाना है मुझे। ठीक है, बुलाता हूँ। प्लीज वेलकम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द वन एंड ओनली भारती साले तूने तो कहा था वन एंड ओनली, इस हाफ एंड लोनली की जरा भी फिक्र नहीं हुई तुझे? मैं नहीं लड़ूंगा इससे। क्यों बे? अरे मैं ठाकुर हूँ यार, औरतों पे हाथ नहीं उठाता। अरे ये ठाकुर है, बिना औरतों के अपना एक्ट नहीं उठाता। अबे साले तू इस टाटा नैनो को कहा टाटा सुमो से भिड़वा रहा है यार। अबे ओ, कौन है आज जो उससे लड़ेगा? वो तो आज आया ही नहीं दीदी। तू कौन है बे? मैं बनिया हूँ। ये जो बॉक्सिंग रिंग लगी है ना वो मैं भाड़े पे देता हूँ। एडवांस भिजवा देना सेठ जी। रोक, यही है वो जिससे तुम्हें लड़ना है। अब इसे तो मैं अपना एक पंच ब्लूटूथ से सेंड करूँ तो मर जाए। अरे इसे ऐसा वैसा मत समझो, हाँ इस अकेले में 14 रचनाओं की ताकत है। अब ऐसा भड़का क्यों रहे तू इसे? अबे ओ, जल्दी फाइट शुरू कर, मुझे और भी फाइट लड़ने जाना है। हाँ तो बहन जी पहले वो निपटा लीजिए ना, हम तो बाद में भी लड़ लेंगे। तुम कहाँ भागी जा रही हो? अरे बाद में नहीं, अभी। देखो दीदी, कुछ मुद्दे बातों से भी सुलझाए जा सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, अपनी सरकार कहती है ये पिछले 50 सालों से। अबे साले, शिखर सम्मेलन में आया क्या? नहीं नहीं, शेखर आया ना सम्मेलन में। शेखर आए बोल। ये ऐसा नहीं मानेगा। छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। रोक रोक रोक। कहता था मेरी गाड़ी चालू है। अरे ड्राइवर चालू है, देखा ड्राइवर चालू है, गाड़ी लेके भाग गया। चल चल हाथ मिला। अबे जब हाथ ही मिला ना तो फाइट क्यों करवा रहा है यार? अरे फाइट के लिए हाथ मिला।
नाइस मीटिंग यू दीदी. दीदी दीदी मारना नहीं, मारना नहीं दीदी. देखो गीता में भी लिखा है कमजोर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए. जब गीता में लिखा जा रहा था तो गीता ने कुछ कहा क्यों नहीं? अबे मेरा मतलब है कि पढ़ने वाली गीता में लिखा है दीदी. जब पढ़ने वाली में लिखा है तो उसमें लिखा क्यों? अबे उसका छोड़ो, अब जो तुझे पढ़ने वाली है ना उसके बारे में सोच. मेरे अंदर के जानवर को मत जगा. चूहा जाग भी गया तो क्या उखाड़ लेगा? देख मेरी मजाक मत कर, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो. लो इसे गुस्सा आता है, इसे देख के लगता ढंग से इसे सुसू नहीं आता होगा. आया आया आया, कंट्रोल कर रहा हूँ. सुसू सुसू नहीं अपना गुस्सा. मैं मार दूंगा इस मोटी को. किधर गया है? Many people cheering for you. ये देख के कुछ सीरियस हो गए हैं हमारे दोनों जो सामने वाले हैं. हाँ शेखर, दुश्मनों के बारे में क्या? मैंने पहले भी कहा था कि ये एक इकलौता शो है जहाँ दुश्मनों को देखकर उनकी तारीफ करने की इच्छा होती है. इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ इस एक्ट के बारे में, सबसे पहले मैं नंबर देना चाहूंगा. एंड दिस इज ओनली फॉर परेश. आई थिंक इट वॉज अ वन मैन शो. जब मैंने ये सोचा कि आपको मैं सिर्फ 10 नंबर दूंगा और सिर्फ आपको दूंगा और इस एक्ट के जिम्मेदार आप हैं, बट टुवर्ड द एंड जब भारती और शरद ने जो वो स्लो मो किया, दैट स्लो मोशन, दैट वाज वर्थ अनदर 10. हिज आईडिया, हिज आईडिया. वेरी गुड, वेरी गुड शरद. आई फील इट इज अ वंडरफुल एक्ट, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा डेप्थ और बॉडी थोड़ा सा कम लगा इस एक्ट में. इट इज अ फैबुलस एक्ट बट फॉर मी जस्ट अ लिटिल शॉर्ट ऑफ परफेक्ट. ऑल राइट, थैंक यू सो मच अर्चना. आप पॉइंट्स ब्रिलियंट 9 फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. थैंक यू रोहित, आपसे पूछना चाहूंगी आप किससे सहमत है? शेखर जी से ऑब्वियसली. पागल हूं अर्चना जी से सहमत रहूं. ये तिकड़ी पुरंस और सुमंस की जोड़ियों पर भारी लगी या नहीं, ये जवाब देने का एक ही तरीका है. वोट कीजिए. हमारा कोड है तड़का 02. चुप रहे ना यार, और भेज दीजिए 52525 पर. बिल्कुल सही हो गया. थैंक यू. जोरदार तालियां भारती परेश और शरद के लिए. थैंक यू. आप पूरन सुमंस और शेट्टीज में से जो भी पसंद करें उन्हें वोट करते रहिए. हम यू गए और यू आए ओनली ऑन हिप हॉप प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम. बच्चों के बाद लौट आई है एलिजाबेथ अपने भुवन के पास, पर भुवन ने तो अपनी साइज से भी बड़ा काम कर दिया. 10 बच्चों की टीम बनाकर
रन आउट हो गए. प्लीज वेलकम सीजन वन के पूरन खयाली एज भुवन एंड करिश्मा एज एलिजाबेथ. मेरी बाल मेरी सिर में लग गई. आप सोच रहे होंगे मैं बॉलिंग भी खुद कर रहा हूँ, बैटिंग भी खुद कर रहा हूँ, फील्डिंग भी खुद कर रहा हूँ. मैं आमिर खान हूँ, आमिर खान हूँ. मैं सब काम खुद ही करता हूँ. मैं लिखता भी खुद हूँ, डायरेक्शन भी खुद करता हूँ, एक्टिंग भी खुद करता हूँ. चेतन भगत कभी कभी मेरे लिए लिखता है, लेकिन नाम मेरा ही जाता है, नाम मेरा ही जाता है. समझे ना, कर सकता हूँ मैं. नीचे देखो. कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं? ओ, नहीं. अरे, मैं तुम्हारी गोरी हूँ. गोरी? अबे घर से निकली तो इतनी मोटी थी, लंबी होके कैसे आ गई? अरे बाबा, मैं तुम्हारी वो गांव की गोरी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी लगान की एलिजाबेथ गोरी हूँ. ओरी गोरी, ओरी गोरी, दैट गोरी. लेकिन तुम लोग तो देश छोड़ के चले गए थे, अब किस पे कब्जा करने आई है? तुम पर. इस प्लॉट की दो बार रजिस्ट्री हो चुकी है. तू इतनी देर से क्यों आई? इतना प्यार करती हूँ कि मैंने बच्चों के नाम भी तुम पर रखे. सी भुवन, भुजू, भुत्री, पुत्री. तुम अंग्रेजों का ये काम ठीक है यार, बाप का नाम भूल गए, बच्चों के नंबर लगा लेते हो. 1 2 3. दरअसल मैं अंग्रेज खुद इतने परेशान होते हैं, अपने ही बच्चे को 10 रुपए देके बोल रहे हैं, बेटा मुझे पापा क्या करो. Oh my God, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे नहीं करेंगे. 5 रुपए में मान जाएंगे वो, 5 रुपए में. लेकिन मैं 5 रुपए क्यों दूं? मैं उनका बाप नहीं हूँ. तो फिर बन जाओ ना, मुझसे शादी कर लो. ओ, देखो मुझे महंगी औरतें मना है. मैं अपने बच्चों को यहाँ बॉम्बे में लेकर आती हूँ. ओ माय गॉड, मतलब मुझे बिना मेहनत किए हुए 3 idiots मिल जाएंगे. ओ वाओ, माय गॉरी, माय लव. भागिया से. मैं अकेली कैसे भाग सकती हूँ? तुम भी मेरे साथ भागो ना. उत्तरी, तेरी इतनी लंबी टांगे हैं, तेरा 1 कदम मेरे 5 कदम, मेरे 5 कदम. मैं थक जाऊंगा. थके हुए आदमी भागने से डरते हो तो फिर रोमांस कैसे करोगे? इस मामले में मैं बहुत तेज हूँ. आपको पता नहीं है कि गोरी के मैंने 3 बच्चे पैदा कर दिए थे एक ही साल में. तो इसलिए तो मैं बोलूँ तुम्हारे भी 3 बच्चे, मेरे भी 3 बच्चे. नहीं, नहीं, मेरे 12 बच्चे. गोरी से 3 बच्चे हैं. और सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें यहाँ की परंपरा सीखनी पड़ेगी. तो फिर भुवन सिखाओ ना. ओ, देखो लड़के वाले आते हैं, सगाई होती है. What is सगाई? सगाई लड़के वाले इकट्ठे होते हैं. You know, rice with good and eating shabad, then drinking water and dakar. तब बात पक्की होती है. लेकिन हमारे अंग्रेज में तो पहले रात पक्की होती है. अबे अंग्रेजनी, अभी कहां से रात पक्की होगी? पहले शादी होती है, you know, लड़की कम लड़का कम, एंड पंडित फायर, एंड राउंड, देन स्वाहा स्वाहा एंड स्वाहा. स्वाहा नहीं, स्वागरात. अच्छा ये बताओ, हनीमून कब होती है? ओ हनीमून है, क्या होती है मैम साहब, क्या होती है? हनीमून जब लड़का एंड लड़की टुगेदर गोइंग हॉलीडे न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया एंड देन आर्म्स में आर्म्स डालोइंग, दैट इज हनीमून. ओ आर्म्स डालोइंग. फिर क्या होता है मैम साहब, क्या होता है फिर? क्या होता है? जिंचिका. उत्तरी, फिर उसके लिए इतना खर्चा लगाने की क्या जरूरत है? हम लोग तो बेडरूम के अंदर ही पूरे वर्ल्ड का नक्शा बिछा के रखते हैं. सुबह बैंकॉक, दोपहर को थाईलैंड, शाम को हुलुलुलु, रात को वापिस अंधेरी. इसका मतलब तुमने हनीमून सीखा ही नहीं, तो क्या सीखा? ओ यार, तुम लोगों ने 300 साल हमारे ऊपर राज किया, सारी गंदी चीजें सिखाई, सिगरेट पीना सिखाया, कॉफी सिखाई, दारू सिखाया, हनीमून सिखाया नहीं, खुद ही मनाते रहे.
नहीं सिखाया तब तुम 125 करोड़ हो, अगर सिखाया होता तो क्या होता? हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल 2-4 काम है, हाथी को धक्का देना, यू नो, चिंटी की किस करना, मच्छर को मसाज करना, अर्चना पूर्ण सिंह की हंसी बंद करना और विदेशी लड़की से शादी करना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओ भगवान, विदेशी लड़की से शादी करना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल है मैम साहब, लेके आते हैं घर चलाने के लिए, आके देश चलाना शुरू कर देती है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम एक काम करो, तुम गोरी हो, तुम कोई गोरा लड़का ढूंढो मेरे लिए, वो गोरे गांव वाली ठीक है। अबे तू गई नहीं अभी तक, यहीं खड़ी है। मैं मर गया तेरा बाप लेगा। वो कात भी आ गई ना। ऑलराइट रोहित, कैसी लगी आपको ये हिस्टोरिकल लव स्टोरी? कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि टाइमिंग जा रहा था, ऐसा नहीं है कि मतलब पंचेस नहीं थे, थे काफी थे, बट पता नहीं एक चीज जो बन के आनी चाहिए था, मैजिक विच शुड हैव बीन क्रिएटेड, वो नहीं हो पाया, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। शेखर, ख्याली, मुझे ऐसा लगता है कि आज के एक्ट में तुम्हारे जितने पहले एक्ट्स मैंने देखे हैं सबसे जुदा थे, यू आर इन अ डिफरेंट फॉर्म, वो फॉर्म अनफॉर्चुनेटली कहीं छूट गया तुमसे। जी जी, प्रॉब्ली यू आर अंडर रिहर्स्ड और वट एवर, और यू जस्ट लॉस्ट दैट ग्रिप, लेकिन इसका ख्याल रखना है ख्याली। थैंक यू, यू सेड दैट। सिर्फ एक चीज, एक एडवाइस, हमारी लड़ाई बाकी टीमों से, तुम दोनों की आपस में लड़ाई नहीं चाहिए। Thank God you said that. Okay, so we come together as a team and we fight against these two, not against each other. Okay. All right. Rohit, आप क्या स्कोर देना चाहेंगे? 8 points. और शेखर? To be fair to the rest of the people, I think आप ख्याली चूंकि भूल गए, और भूलना अपराध है, so I have deducted 3 numbers. 7 points. 3 points. ये पूरन, सुमन और शेटीज को अच्छे लगे हो या बुरे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ख्याली की देसी दुकान पर करिश्मा की विदेशी कॉमेडी बिकती रहे, तो प्लीज वोट फॉर देम राइट नाउ। हमारी जोड़ी बड़ी अजीबो गरीब है, मतलब अजीब किस्म की गरीब जोड़ी है, इसलिए आप हमें SMS करें और टाइप करें JODI02 और भेज दीजिए 52525 पर। ये चलो, हंसी की जंग में हर कोई कर रहा है वार पे वार, और ऐसे में हथियारों को चाहिए तेज धार, तो आप अपनी फेवरेट सीजन को जितवाने के लिए कीजिए वोट, हम हथियारों को धार करवा के अभी आए, ओनली ऑन हिपो प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम। हंसी की जंग में हर कोई कर रहा है वार पे वार, और ऐसे में सुमंस के राजीव राजेश तो कुछ ज्यादा ही जाबाज है, रणनीति बना रहे हैं और वो भी खुलेआम पूरन और शेट्टी के सामने। So give a huge round of applause to Shekhar ki Sumans, Rajiv and Rajesh. Kisne dhakka diya be? Abe akele comedy ke abe kaun dhakka de raha be? Usse puch raha hu kyun dhakka diya be? Abe humne thodi dhakka diya hai. To kisne diya? Abe ye creative ke launde hai. Ye to are e bhai, ha ये क्या बना है, ये क्या बनाया है, ये अकबर की मूछ, ये टोपी, ये क्या है, क्या ये करना क्या है? ना स्क्रिप्ट नहीं बनी, ये अपने बने का पूछ रहा है। अरे यार तुम मरवाओगे। अच्छा सुनो, हाँ चलो कॉमेडी एक्ट तो करना ही है, हाँ शुरू करते हैं, तुम बड़े हो तो पहले हम बोल देते हैं। आई एम राजेश, ही इज राजीव, बट आई एम राजेश। इसमें नया क्या है? आई एम राजेश राजीव। क्या है क्या ये? तुमसे अच्छा ना वो बेचारा, वो राजीव ठाकुर है, क्या लड़का है वो। क्या अच्छा है उसमें, क्या अच्छा है उसमें? मान लिया कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ लेकिन बिना टैलेंट के बंदा हर फाइनल में पहुंचता तो है। हाँ तुम क्या कर लिए? कलम घिस घिस के वाहवाही लूटते हो, मिलता क्या है? मुझे संतुष्टि मिलती है। और भाभी को? अरे मतलब भाभी को कैसा लगता होगा कि सिर्फ वाहवाही लूट करके चले आए लेकिन नंबर मिले साथ? अरे कुछ करो ना, कुछ पागलपन करो यार, कुछ मैडनेस। अपने टीम की विडंबना है भाई, सिर्फ 4 लड़के हैं, शेखर जी लड़के, मतलब लड़की कोई है ही नहीं, बहुत मिस कर रहे हैं। चलो हम लोग तो अपना एक बार को मन मार भी लिए, शेखर जी का क्या होगा भाई? शेखर जी भी बस मन ही मार लेंगे और क्या करेंगे। यार तब से हम उन्हीं लोग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हाँ बात सही है। चलो त्रिदेव को प्रणाम करो और एक्ट शुरू करो। प्रणाम कर लिया, अभी बोलो, अभी एक्ट शुरू करो। एक्ट कहाँ से शुरू करें यार? कहे स्क्रिप्ट है क्या हमारे पास में? अरे स्क्रिप्ट नहीं है तो
अरे वो बन जाओ ना जो तुम हमेशा बन जाते हो। अच्छा एक अच्छा इंसान। अच्छे इंसान के अंदर से गंदी औरत निकालो। औरत बन जाओ, एक्ट उठा दो। लेकिन ये बताओ मेरे को, आज तक औरत बन के किसी का भला हुआ है? 3 साल से औरत बन के वहां बैठे हैं अर्चना जी, भला नहीं हुआ है? ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो यार, वही आदमी अपने को नंबर देने वाला है यार। क्या बात कर रहे हैं यार, नमस्ते। लेकिन एक बात है, बहुत अच्छा इंसान यार। वो तो है, वो तो है। परमीत भाभी मिली थी बता रही थी। अच्छा क्या बात है यार। लेकिन तू मेरे को बोला औरत बन जा औरत बन जा। हाँ? अरे बुढ़ाऊ तुम अकबर क्यों नहीं बन जाते हो? अरे अकबर सलीम के बाद दूसरा लौंडा नहीं पैदा कर पाया, तुम एक्ट पैदा करने की बात कर रहे हो? क्या कॉमेडी के नाम पे यहाँ कुछ भी हो रहा है तो कुछ भी कर देना, करो बेइज्जती। अबे बेइज्जती करवाने भी उतारू है, कर ले भाई। एक मिनट इधर इधर कर नीचे। शेखर जी रोहित साहब इनका चेहरा देखो, इतना बड़ा थोबड़ा, ऐसा लगता है भैंस ने एक्स्ट्रा गोबर कर दिया गर्दन के ऊपर। इतना बड़ा चेहरा देखा है, कारपेट एरिया देखो, 1 BHK के फ्लैट में नहीं मिलता इतना कारपेट एरिया। अरे तू फिट बेइज्जती करा इधर। इसका खोपड़ा देखो, खोपड़ा इतना बड़ा खोपड़ा है, मार्केट में इसके नाप की टोपी नहीं मिलती। मोहल्ले की भाभियों के पेटीकोट पहन के घूमता है ये। खबरदार जो मेरी बेइज्जती की है। और हम किसी भी मोहल्ले के भाभियों की पेटीकोट पहन के नहीं घूमते हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले की भाभियां पेटीकोट पहनती नहीं है। पहनेगी कैसे? पहन के घूमता है उसमें। अरे सलवार कमीज पहनती है। अच्छा अभी लास्ट आ गया एक्ट का। हाँ। कुछ तू अपना फेवरेट वो कर दे, वो पैथोस डाल दे, तू अपनी बेइज्जती खुद कर। मैं अपनी बेइज्जती खुद करूं मैं? हाँ। अबे तो ये बता, ये तीनों बैठे पगार फोकट के लेंगे ये लोग? तेरी जितनी बच्ची वो भी करेंगे, मेरी तो धोएंगे ही धोएंगे साथ में। आ जा भाई धुलवा लो। शेखर आपके सुमन सो खुल्लम खुल्ला तीर चला रहे हैं। आइए और अपनों पे ही तीर चला रहे हैं। अपनों पे ही तीर चला रहे हैं। रोहित आपको तीर लगे या नहीं? ये वाकई में विदाउट स्क्रिप्ट वाली एक्ट थी। क्या चल रहा था पता नहीं, लेकिन जो भी था अच्छा था। जो ऑनेस्टी थी आप लोगों की वो आप लोगों ने बरकरार रखी। मतलब आप कोशिश करते रहे, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, लेकिन क्या हो रहा था पूरा बाउंसर गया। अर्चना एट टाइम्स यू टच्ड अ वेरी गुड कॉर्ड एंड देन अगेन आप थोड़ा अलग गए, फिर वापस आप एक राह पर आए, फिर तो बीच में देयर वर सम वेरी 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 गुड पंचेज। तुम लोगों ने मेरे पर कौन सा पंच मारा था, वो कौन सा था? इतने मारे दैट वाज द बेस्ट पंच ऑफ योर होल एक्ट। अब है पॉइंट्स की बारी। रोहित आपके स्कोर प्लीज। एट पॉइंट। अर्चना आपके पॉइंट। मुझे भी अफसोस आपको सिर्फ 8 ही देने पड़े। ओके इस ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी की रंगीन कॉमेडी ने मुझे तो काफी हंसाया, क्या आपको हंसाया? अगर हाँ तो प्लीज वोट कीजिए। तो प्लीज हमें वोट करें, 04 हमारा कोड है, 52525। समझ गए ना भाई? इधर थोड़ा सा कम मिला है तो उधर तो थोड़ा सा बढ़ा दो, मामला बैलेंस हो जाए। आप पूरन सुमन और शेट्टीज में से जो भी पसंद करें उन्हें वोट करते रहिए। हम यू गए और यू आए ओनली ऑन हिपो प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम। महासंग्राम के दौरान आपको हंसी के दौरे पड़ सकते हैं और इतना ज्यादा हंसने के कारण लोग आपको पागल भी कह सकते हैं। ऑलरेडी 2 इंसान पागल हो चुके हैं, रश्मि और राजीव, जिनके लिए बुलाना पड़ा है डॉक्टर सलोनी को। सो प्लीज वेलकम रोहित शेट्टी, रश्मि, राजीव एंड सलोनी। लड़की पटाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं शेखर जी आपकी बात नहीं कर रहा, हम जैसे नॉर्मल लोगों की बात हो रही है। और खुद सामने से अगर लड़की पट जाए और प्यार में पागल हो आपके, तो आप सोच सकते हैं कि 5 उंगलियां घी में, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। एक लड़की मेरे प्यार में दीवानी होके पागल हो गई है। ये सब लोगों में पागल क्यों कहते हैं? छोड़ो ना, तुम कहाँ नॉर्मल लोगों की बातों में आ रही हो। छोड़ दिया। अच्छा तुम बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? 2.5 किलो। महंगाई का जमाना, खुद ही ठीक ठीक लगा ले, 5 किलो ले लूंगा। अबे ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? क्यों उतनी लाइनें नहीं है जितने चांटे हैं इसमें? मेरी स्क्रिप्ट में तो
चाटे थे ही नहीं, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के इम्प्रोवाइज किया है मैंने। चलो शुक्र है तेरा पार्टनर ख्याली नहीं है। क्या? वरना जैसा उसका मुंह है उसका पहले एपिसोड में कत्ल बनता था। वो पागल है ना, वो सामने बैठा वो पागल ना मुझे कब से घूरे जा रहा है। रोहित समझा लो अर्चना को, अगर इसी तरह घूरा ना तो वाहेगुरु दी सो बुरका पहना दूंगा। बुरका तो पहना दो ना। नहीं पहनाऊंगा, नुकसान मेरा ही है। फिर शेखर जी किस बात के नंबर देंगे? पप्पू लगता है डॉक्टर आ गया। आने दो आज इस डॉक्टर को, इसे तो मैं देख ही लूंगा। अबे अंधे देखना है तो नीचे देख। पोलियो की दवाई पी रही, अब घर जाओ। अबे मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा बताओ ना, तुमने आज तक किस किस का इलाज किया है? मैंने बड़े बड़े लोगों का इलाज किया है। सुरिंदर का तो ढंग से क्यों नहीं किया, अभी तक वहीं बैठा गिटार बजा रहा है। वो तुम्हारे लिए गिटार बजाता है ना, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए गिटार बजने लगती है। अबे अलग हो जाओ, ये महासंग्राम है और रोहित जी ने कहा है जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे नंबर नहीं मिलेंगे। अलग कर रहे हैं तो लो। ए पगली। ओए उसे पगली मत कह। अब जिनको कहना उनको डायरेक्ट कह नहीं सकते। सोचा इसके थ्रू वहां तक बात पहुंच जाए। चलो चुपचाप बैठो इस कुर्सी पे। विंडो सीट पर। ये मेरे प्यार में पागल है, इसका इलाज करो। वैसे कब से अफेयर चल रहा है तुम दोनों का? हमारा अफेयर ना बहुत पुराना है। अच्छा तो ठीक है ये लो। अबे उसको करंट क्यों लगा रहे? तुम्हारे पुराने अफेयर को करंट अफेयर बना रहा हूँ। अरे लेटो डॉक्टर आ गया, लेटो 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 लेटो। अबे तू क्यों लेट गया? अबे असली का डॉक्टर आ गया। तो तू भी लेटो 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 लेटो। ये सचमुच में पागल है, इसके डायलॉग को दिल पे मत लगाना। पता नहीं इसका दिमाग कब ठीक होगा। जब इसकी वजह हमें एक दो नंबर ज्यादा मिल जाएंगे तो समझ लेना इसका दिमाग ठीक हो गया है। हाँ अब तो शेखर जी जज आ गए हैं जो दिमाग के कायल हैं। चलो बेटा अपना दिमाग दिखाओ जरा उनको। हाँ, हाँ। हटो बस। इससे पहले कि ये अपने दोनों दिमाग दिखा के आपको डबल माइंडेड कर दे प्लीज हमें नंबर दे दो। हाँ, दे दो दे दो दे दो। तो अर्चना शेखर ये बताइए कि शेटीज की ये तलवार काट देगी या कट जाएगी? आप लोगों ने कोशिश अच्छी की पर वो जो ठहराव आना चाहिए था, वो जो कसाव होना चाहिए जिस एक एक्ट में, that I found terribly missing. मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी शेखर से कि आप तीनों की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, अगर कमी है तो सिर्फ स्क्रिप्ट में है और उसकी वजह से जो तीन कैरेक्टर्स उभर के आने चाहिए थे वो तीन कैरेक्टर्स बिल्कुल बैठ गए थे, दैट वाज अ प्रॉब्लम। रोहित आप अपने सिपाहियों को शेटीज को क्या कुछ पेप टॉक देना चाहेंगे? किसी के साथ भी हो सकता है ये, क्योंकि स्क्रिप्ट ही अगर खराब हो तो अच्छे से अच्छा एक्टर जैसा आपके साथ हुआ आप लोगों के साथ हुआ वो हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वेल लेट्स सी द स्कोर्स आल्सो। 8 पॉइंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। इन्हें विनर्स बनाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सिर्फ आपके वोट्स दे सकते हैं, सो प्लीज वोट फॉर देम। हमारे लिए वोट करने के लिए प्लीज टाइप कीजिए तड़का TADKA01 और भेज दीजिए 52525। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। कॉमेडी सर्कस महासंग्राम हो चुका है आरंभ, अब हर पड़ाव पर एक टीम होती जाएगी शहीद और इस महासंग्राम के सबसे बड़े निर्णायक है आप।